हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है, क्योंकि भाई आज जो है ना हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बहुत सारी आइडिया होगी। ओके, वो टॉपिक है LEDs एंड LCDs। ओके, अब ये LED LCD इसके जो बेसिक नॉलेज है आपका, उसे रिफ्रेश करने की कोशिश मैं यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू करने वाला हूँ, जो कि बेसिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए रिलेटेड टू एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो ये जो LCD और LEDs हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये किस कैटेगरी में आते हैं? आउटपुट डिवाइस कैटेगरी में आते हैं। दीज आर द मोस्ट वाइडली पॉपुलरली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस इन योर एम्बेडेड सिस्टम। कोई भी एम्बेडेड सिस्टम का प्रोजेक्ट्स आप देख लो, स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, आपको इसमें उन प्रोजेक्ट्स में इनकी जो मात्रा है वो बड़े अच्छी तादाद में ये रिस्पेक्टिव LEDs और LCDs देखने को मिल जाएंगे उन प्रोजेक्ट्स में। तो अभी यही वो दो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे एम्बेडेड सिस्टम हार्डवेयर के, जिन्हें अभी हम थोड़ा खोलने वाले हैं, उनके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको समझने और जानने वाले हैं। तो पहले LEDs, LEDs जैसे मैंने कहा कि इट इज़ अ आउटपुट डिवाइस, मोस्ट वाइडली एंड पॉपुलरली यूज्ड आउटपुट डिवाइस इन द एम्बेडेड सिस्टम। सबसे बेसिक पॉइंट, LED यानी लाइट एमिटिंग डायोड्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसके कलर के ऊपर भी कई सारे मैटर करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा कलर रेड, ग्रीन और येलो वाले जो LEDs हैं, ओके, वो हम स्पेसिफिकली किन रीजंस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि स्टेटस डिस्प्ले यानी कि कोई पर्टिकुलर इवेंट जो अभी चल रहा था, क्या वो इवेंट स्टॉप हो गया है, इवेंट कंप्लीट हो गया है, क्या उसका स्टेटस है। एक और होता है कि हेल्थ स्टेटस, मतलब आपका जो भी सिस्टम है, आपका जो भी हार्डवेयर है, जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी प्रोग्राम है, उसका हेल्थ स्टेटस क्या है, क्या आपके सॉफ्टवेयर में कोई बग्स निकल रहे हैं, हार्डवेयर में कोई फॉल्ट या एरर है, आपके सिस्टम में कहीं कुछ फॉल्ट है, तो वहाँ पे जो उस पूरे सिस्टम का, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, प्रोग्राम का जो स्टेटस है, हेल्थ स्टेटस, वो आप सिंपली इंडिकेट कर सकते हो बाय यूजिंग दीज रिस्पेक्टिव कलर LEDs। बराबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल यार मैंने येलो ग्रीन दिखा दिया, तो मतलब सब हरा भरा है, सब सही है, जो भी चल रहा है एकदम सही चल रहा है, कोई बग नहीं, कोई फॉल्ट नहीं, कोई एरर नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम सब बढ़िया है। ठीक है, रेड अगर दिखाना होगा तो हम रेड दिखा सकते हैं, इनकेस ऑफ सम अलर्ट, मुझे अगर कुछ अलर्ट देना है, कोई वार्निंग देनी है, एक तरीके से स्टेटस बताना है, हेल्थ खराब चल रही है हमारे सिस्टम की, तो उसके लिए हम लोग रेड येलो जैसे LEDs को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मतलब स्टैंडर्ड वाइज, दिस इज अ स्टैंडर्ड, वैसे हम अपने बिगनर लेवल पे तो कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, बिकॉज जैसे कि फॉर एग्जांपल LED ब्लिंकिंग। अब ये जो LED ब्लिंकिंग वाला एक्सपेरिमेंट है, ये हमारा मोस्ट प्रिमिटिव एक्सपेरिमेंट होता है एम्बेडेड सिस्टम से रिलेटेड, जो कि हम सभी ने इंप्लीमेंट किया ही होगा। तो उसमें हम लोग नहीं देखते कि कौन सा LED का कलर लेना है हमें, उसमें बस एक LED चाहिए, उसे हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, ब्लिंक करवाते जाना है, डिले इंट्रोड्यूस करवाते जाना है, लेट्स से मिली सेकेंड्स का, 1000 मिली सेकेंड्स का, लाइक दैट, बीच बीच में आपको डिले करते जाना इंसर्ट, तो वो क्या हो जाता है, हाई लो हाई लो हाई लो, और उसके बीच में डिले इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो वो क्या इफेक्ट देता है, ब्लिंकिंग LED इफेक्ट जनरेट करता है, जो कि हम सबने किया होगा, और उसमें ऑब्वियसली ऐसा LED तो आप सबने देखा ही होगा। तो LED कुछ ऐसा दिखता है जिसमें उसके दो पैर है, एक पैर बहुत लंबा है और दूसरा पैर उतना ही छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, तो ये जो लंबा वाला पैर का साइड है उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, और जो ये छोटे वाला साइड है उसे नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ऐसा स्ट्रक्चर LED का आपने ज़्यादातर विटनेस किया होगा। ठीक है, अब आते हैं भैया एज अ सिंपल इंडिकेटर, जैसे मैंने बोला कि अगर पावर सप्लाई फेलियर भी हो जाता है, ओके, तो उसको भी इंडिकेट करने के लिए एज ए इंडिकेटर हम यहाँ पे LEDs को यूज़ कर सकते हैं। अभी आती है दो और स्टैंडर्ड कलर्स जो है हमारे LEDs में, वो है ब्लू और वाइट कलर। अब ये ब्लू और वाइट कलर जो है दोस्तों, ये भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक्सपेंसिव भी होते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए जब आप एम्बेडेड सिस्टम से रिलेटेड काम कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम लोग अभी इस वाले पॉइंट पे कि ये जो एक सिंबल है, बेसिक LED का सिंबल है। अब अगर आप यहाँ पे इसे देखोगे तो ये सिंपल सा एक आपका डायोड की तरह काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ एमिट होते हुए दिख रहा है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे आपको कुछ एमिट होते हुए दिख रहा है, दिस ऑल टुगेदर फॉर्म्स नथिंग बट द लाइट एमिटिंग डायोड दैट इज योर LEDs। ओके, तो ये तो भैया जान लिया बेसिक कुछ चीज़ें जो है LEDs के बारे में। ओके, अब LCDs के बारे में आपको इससे ज़्यादा पता होगा लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अब LCD मतलब क्या, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एक बेसिक सी चीज़, और ये भी एक आपका मोस्ट पॉपुलरली यूज आपका
आउटपुट डिवाइस है इन योर एम्बेडेड सिस्टम एंड मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस। जो भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आप देखते हो, जो भी आपके घर में एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, जितने भी हैं, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, जो भी आपका रिकॉर्डर, जो आपका डीवीडी प्लेयर, उसमें जो भी आप चीज़ें देखते हो, तो वहाँ पे भैया एलसीडीज का प्रयोग होता ही है। यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन लिखे हुए थे यहाँ पे, जैसे डिजिटल क्लॉक हो गया, डिजिटल वॉच हो गया, टीवी हो गया, कैमराज, डिजिटल कैमराज हो गया, आपका जो कैलकुलेटर होता है कैलसी, जिसके ऊपर हम काम करते हैं, तो वो जो डिस्प्ले होता है दैट इज नथिंग बट अ कैलकुलेटर, और आपके जितने भी डिजिटल लैब इंस्ट्रूमेंट्स आपने देखे होंगे, उन सब में आपके एलसीडी जो है वो भारी मात्रा में यूज हो रहे हैं, और इन सभी में हमारा कहीं ना कहीं एम्बेडेड सिस्टम भी जुड़ा हुआ होता है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो एम्बेडेड सिस्टम भी इनमें कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, तो उसी के साथ हम एलसीडीज को यूज कर रहे हैं बहुत ही भारी वाइडली पॉपुलर मात्रा में, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे वाइडली यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम, ये तो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन के थ्रू ही प्रूफ कर दिया। अब आते हैं इसके दो बेसिक टाइप्स के ऊपर, बेसिक टाइप्स, ओके। उसके जो मेजर बेसिक टाइप्स है वो है अल्फा न्यूमेरिक एलसीडीज। अल्फा न्यूमेरिक एलसीडीज मतलब क्या, कि वो एलसीडी जिसमें कि आप अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक वैल्यूज जो होती हैं उन्हें आप इंक्लूड कर सकते हो इन द डिस्प्ले यूनिट, बराबर। तो ये आपके अल्फा न्यूमेरिक एलसीडीज होगा। ये आपने बेसिक यूनिट्स कई बार देखे होंगे, वन लाइन, एट कैरेक्टर्स अलाउडेड, ऐसे एलसीडीज आपने देखे होंगे, विच इज अ वेरी बेसिक एलसीडी जो कि अल्फा न्यूमेरिक एलसीडी में काउंट होता है, ठीक है, जहां पे आप अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज को अलाउ करते हो। तो इनका डोमेन क्या है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक एलसीडी, डोमेन मतलब क्या, अलाउएबल वैल्यूज, कि किन वैल्यूज को आप अलाउ करोगे, तो इसमें अल्फाबेटिक एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज आर अलाउडेड इन द डिस्प्ले। उसके बाद आते हैं भैया ग्राफिकल एलसीडीज। ग्राफिकल एलसीडीज नॉर्मली इनका जो रिजोल्यूशन होता है इट इज 128/64, ओके। ये इन ग्राफिकल एलसीडीज का रिजोल्यूशन होता है। यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हो, जो आपके टेक्स्ट होता है जिसे हम बोलते हैं कस्टमाइज टेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे ग्राफिकल एलसीडी या कस्टमाइज एलसीडी भी बोल सकते हो, जहाँ पे आपका जो कस्टमाइज टेक्स्ट होता है जिसको अलग अलग फॉन्ट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो आपके ग्राफिकल एलसीडीज में यहाँ पे आते हैं, ठीक है। एक और चीज है, यूज टू डिस्प्ले स्टेटस इंफॉर्मेशन। यस, स्टेटस इंफॉर्मेशन मतलब यहां पे आपको इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है, यहां पे इंफॉर्मेशन को आपको डिस्प्ले करना है इन टर्म्स ऑफ मैसेजेस, ओके। कुछ मैसेजेस होते हैं कि नाउ एंटर दिस रिस्पेक्टिव वैल्यू, नाउ एंटर दैट, नाउ यू आर सक्सेसफुली कनेक्टेड, ये जो सारी चीजें हैं, जो ये इंफॉर्मेशन स्टेटस डिस्प्ले हो रहा है उसके लिए आपको एलसीडी यूज करना पड़ता है, जो कि मोस्ट ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम्स में आपको इनकी जरूरत पड़ती है, ये मैसेजेस डिस्प्ले करने की जरूरत पड़ती है, स्टेटस मैसेज फॉर द यूजर, ओके, एज अ मैसेज फॉर द यूजर, ताकि वो अपना आगे जो है काम प्रोसीड कर सके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड डिस्प्ले साइज, डिस्प्ले साइज मतलब क्या, अगर आप डायगनली नापोगे उस एलसीडी स्क्रीन को, दैट फॉर्म्स नथिंग बट द डिस्प्ले साइज ऑफ दैट रिस्पेक्टिव एलसीडी, बराबर। तो यहां पे दोस्तों दोनों के बारे में मैंने आपको अच्छी खासी जानकारी दे दी। अगर ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।